जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग एस्पिरेंट पर। दोस्तों UPSC आज भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपने ओझा सर का नाम तो जरूर ही सुना होगा। ओझा सर के कई सारे स्टूडेंट्स आज IAS और IPS ऑफिसर हैं। आज के इस वीडियो में हम ओझा सर की लाइफ स्टोरी जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में, जहां ओझा सर का जन्म हुआ। ओझा सर का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। ओझा सर के पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और इनकी माताजी एडवोकेट लॉयर हैं। ओझा सर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई फातिमा हाई स्कूल से पूरी की। ओझा सर बचपन से ही एक IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, जिसकी प्रिपरेशन के लिए वो दिल्ली जाना चाहते थे, मगर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन उनके पिता ने अपना एक घर और ज़मीन बेच दिया ताकि ओझा सर दिल्ली जाकर पढ़ाई कर सके। दिल्ली आने के बाद ओझा सर दिन रात UPSC की प्रिपरेशन में लगे रहे, मगर ओझा सर अपने आखिरी अटैम्प्ट में भी मेंस क्लियर नहीं कर पाए, जिसके कारण ओझा सर काफ़ी उदास रहने लगे। लेकिन उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से ओझा सर एक बार में वेटर का काम करने लगे। इसके बाद उनके एक दोस्त जो अलाहाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, उनकी तरफ से ओझा सर को कोचिंग के लिए ऑफर आया, और ओझा सर ने उस कोचिंग के लिए हाँ बोल दिया। पहले दिन जब ओझा सर वहाँ पढ़ाने गए, तब वहाँ के आधे से ज़्यादा बच्चे कोचिंग सेंटर छोड़ दिए, क्योंकि ओझा सर बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते थे। फिर उन्हें समझ आया कि पढ़ाते कैसे हैं। ओझा सर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी गलतियां भी सुधारना सिखाने लगे। इसके बाद ओझा सर ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, जैसे कि वाजीराम IAS एकेडमी, चाणक्य एकेडमी, और फिर आगे चलकर उन्होंने मंजरा ओझा से शादी कर ली, जिसके बाद उन्हें 3 बेटी हुई, जिनका नाम पीहू, बुलबुल और गुनगुन है। ओझा सर का आज YouTube चैनल भी है, जिस पर लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। ओझा सर अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल की वजह से आज पूरे भारत में फेमस है, और आज उनके पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट्स IAS और IPS बन चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।